हम कादरी गुलामों का दीन वो है जो सीधा शेख अब्दुल कादिर मुहिद्दीन गिलानी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का दीन है। तो मेरी वसीयत यही है कि उस पर आप हजरात जो है वो सख्ती से कायम रहें, और खास तौर से मेरी ये वसीयत मेरे मुरीदों को भी है, और मैंने अपने सफर में जो है कई मरतबा ये वसीयत लोगों को बताई। और क्योंकि मैं अब लिखने पढ़ने से तकरीबन मजबूर हूं, तो मैंने हुक्म भी दिया, कहा भी, गुजारिश भी की कि मेरी ये वसीयत कलमबंद की जाए कि लोग मेरे जो मेरी मार्फत सिलसिला कादरिया रज़विया, सिलसिला आलिया नूरिया कादरिया, नूरिया रज़विया कादरिया बरकातिया में जो लोग दाखिल सिलसिला हैं, वो लोग मसलक अहले सुन्नत पर, मसलक आला हजरत पर, मसलक गौसे आजम पर सख्ती से कायम रहें। और वही मेरा मुरीद है जो इस मसलक पर कायम है, और जो इस मसलक से मुनहरिफ हो वो मेरा मुरीद नहीं है। और यही मेरी वसीयत मेरे औलाद के लिए, मेरी औलाद के लिए है, मेरे खानदान वालों के लिए है, जो जिसको मेरे खानदान में, आला हजरत के खानदान में, जिसको इस मसलक पर आप हजरात जो है कायम पाए, उसी के पीछे चलें और उसी का साथ दें। और खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता अगर आला हजरत के खानदान से जो है कोई शख्स जो है आला हजरत के मसलक से, गौसे आजम के मसलक से, रसूलुल्लाह के मसलक से, इस दीन हक से जो है कोई मुनहरिफ हो जाए, तो आपको ये नहीं देखना है कि वो उन आला हजरत के खानदान वाला है, बल्कि आपको अपने दीन को देखना है। तो यही मेरी वसीयत है और यही मेरी नसीहत है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जो है इस दीन हक पर जो है साबित कदम रहने की जो है तौफीक अता फरमाए।